हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज हम इन कलरों की ऊन से और नीडल ली है। यहाँ पर हमने 10 नंबर, इससे बहुत ही सुंदर हम एक सिंगल कलर में नीटिंग डिजाइन बताएंगे। तो इस डिजाइन को आप स्वेटर में, जैकेट में, कार्डिगन में, कैप, सॉक्स किसी में भी डालिए, सभी में डल के रेडीमेड से भी सुंदर डिजाइन बनता हुआ आएगा। तो चलिए सीख लेते हैं कि ये डिजाइन हमने किस तरह से बना के इसको कंप्लीट किया है। तो इस डिजाइन को बनाने के लिए मैंने 8-8 के मल्टीपल में फंदे डाल के 2 फंदे एक्स्ट्रा लिए हैं। तो टोटल मैंने ये 18 फंदे डबल नीडल करके तब इसमें डाले हैं। 18 फंदों से हम इस डिजाइन को बनाना बताएंगे कि ये डिजाइन हमने किस तरह से इसको बनाया। तो यहाँ पर देखिए, आप नीचे कोई भी बॉर्डर बनाइए, बॉर्डर बनाने के बाद यहाँ से डिजाइन की पहली सिलाई सीधी सिलाई। यहाँ पर हम 4 फंदे सीधे बनाएंगे, 2, 3 और 4। 4 फंदे सिंपल सीधे बनाने के बाद अब जो ये 2 फंदे, इस फंदे को इधर लाएंगे, इस वाले को इधर। तो ये जो दूसरे वाला फंदा है, इसको बैक लूप से ऐसे नीडल डालेंगे, अगले वाले को निकालेंगे, यहां पर लेंगे और इसको आगे करके दोनों फंदों को अब सीधा बनाएंगे। 1, 2, 2 फंदे ये पलट के बना के सीधे आगे हमने क्या करना, आगे देखिए, फिर 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 6 फंदे फिर से मैंने सीधे बनाए। अब क्या करना, 2 फंदे फिर से हम इस फंदे को यहां पर लेकर आएंगे और पहले वाले को यहां पर। तो इस फंदे को बैक लूप से नीडल डालेंगे हम इस तरह से, और अगले वाले को निकाल के फिर लेफ्ट नीडल पे ऐसे डाल लेंगे और पीछे से इसको आगे लेके आएंगे, इन दोनों को सीधा बुन लेंगे। लास्ट के बचे 4 फंदे, इनको भी सीधा ही बना लेंगे। तो बहुत ही सुंदर डिजाइन है जैकेट, स्वेटर, कार्डिगन के लिए। तो इस डिजाइन को आप सीखिए और बना लीजिए। तो पहली सिलाई सीधी साइड से हमारी बन के कम्प्लीट है। डिजाइन की दूसरी सिलाई और उल्टी सिलाई, दूसरी सिलाई को अब हमने पूरी सिलाई को ऐसे उल्टी साइड से एक एक फंदा लेके उल्टा उल्टा बनाते हुए इसको कम्प्लीट करना है। बहुत ही सुंदर डिजाइन है, बिल्कुल उभरा उभरा और गफ डिजाइन है। इस डिजाइन को एक बार आप जरूर ट्राई कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको हमारा डिजाइन कैसा लगा। तो दूसरी सिलाई को हमने उल्टी साइड से पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बनाते हुए यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। डिजाइन की तीसरी सिलाई, तीसरी सिलाई को थोड़ा सा ध्यान से देखिए हमने किस तरह से इसको बनाना। पहले हमने यहाँ पर 4 फंदे सीधे बनाए थे, अब की बार पहले फंदे को उतार के धागा पीछे किया, 1 फंदा 2, और अब की बार हमने सिर्फ 3 फंदे यहाँ पर इस तरह से सीधे बनाने। 3 फंदे बनाने के बाद जो ये फंदा है, इन 2 को हमने पलट के बनाया था, तो इससे पहले वाला, इस फंदे को यहाँ लेके आएंगे और इसको यहाँ, तो आगे से नीडल डालेंगे और इस फंदे को ऐसे निकाल लेंगे, यहाँ पर लेके आएंगे पीछे से और इसको यहाँ पर डाल के और इस फंदे को सीधा बनाएंगे। इसको सीधा बनाए, ये फंदा यहां से इधर आए, इस बीच वाले को भी सीधा बनाएंगे। अब जो ये फंदा है, इसको यहां लेके आएंगे और इस वाले को यहां लेके आएंगे। तो फिर से पीछे से नीडल डालेंगे इस फंदे में और इसको अगले वाले को यहां पर डालेंगे और अब इसको यहां पर इस तरह से आगे रख के दोनों फंदों को अब सीधा बना लेंगे, इस वाले फंदे को भी। तो ये देखिए, इस तरह से हमारे क्रॉस में ये देखिए फली टाइप में बनती हुई, थोड़ा सा और बनाने के बाद आपको नजर आएंगे। तो अब फिर से, तो आगे ये बीच में हमने पहली सिलाई में 6 फंदे बनाए थे, अब की बार ये ध्यान से देखिए, एक, 2, 3 और 4, 4 फंदे सीधे बनाए हैं।
अब फिर से जो ये वाला फंदा ही इधर आएगा और ये वाला इधर, तो आगे से नीडल डाल के इसको आगे वाले को इधर लेंगे और इस वाले को इधर रखेंगे, तो इसको भी सीधा बनाएंगे और जो ये बीच में आया फंदा इसको भी सीधा बनाएंगे। अब जो ये वाली फली है ये इधर जाएगी, इधर वाला फंदा इधर आएगा, तो बैक लूप से इस तरह से नीडल डालेंगे और पहले वाले फंदे को लेफ्ट नीडल में इस तरह से लेंगे और इस फंदे को आगे रखते हुए हम ऐसे सीधा बनाएंगे और जो ये फंदा है इसको भी सीधा बनाएंगे इस तरह से। तो अब बचे हैं लास्ट में तीन फंदे, इनको भी सीधा ही बुनेंगे। तो ये हमारी यहाँ पर तीसरी सिलाई देखिए सीधी साइड से बन के कंप्लीट है। डिजाइन की यहाँ पर चौथी सिलाई उल्टी सिलाई, चौथी सिलाई को हमने पूरी सिलाई को ऐसे उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करना है। लास्ट वाले फंदे को सीधा बनाएंगे। तो चार सिलाई बनके कंप्लीट है, चौथी सिलाई उल्टी साइड से उल्टे उल्टे बनके कंप्लीट है। डिजाइन की यहाँ पर अब आ गई पांचवी सिलाई। पांचवी सिलाई को तो ये देखिए यहाँ पर ये इस तरह से हमारी फली क्रोसमा बनती हुई दिखाई देने लग गई है। तो अब पांचवी सिलाई में पहले फंदे को उतारेंगे, अब की बार सिर्फ ये दो फंदे ही सीधे बनाएंगे। दो फंदे बना के जो ये फली आई है इसको इधर लेंगे, इसको इधर, तो यहाँ से इस फंदे को ऐसे उतार के पीछे से इसको लेफ्ट नीडल में डाल लेंगे, इस फंदे को यहाँ पर रखेंगे और अब इसको सीधा बनाएंगे इस तरह से। ये बीच वाला भी सीधा और एक दो फंदे और जो ये बीच में है इनको भी सीधा इस तरह से। अब जो ये फली वाला फंदा है ये इधर जाएगा और ये वाला इधर, तो बैक लूप से ऐसे नीडल डालेंगे हम और इस फंदे को लेफ्ट में लेंगे, इसको यहाँ पर डालेंगे, इसको सीधा बनाएंगे हम। सीधा बनाने के बाद इस वाले फंदे को भी अब सीधा ही बनाएंगे इस तरह से। तो अब हमने क्या करना है, दो फंदे बीच में हैं इनको भी सीधा ही बनाना है। एक दो, दो फंदे सीधे बनाए। अब जो ये फली वाला ये वाला फंदा है इसको यहाँ लेके आएंगे, तो आगे से नीडल में ऐसे डालेंगे, इसको निकाल के यहाँ पर डालेंगे, यहाँ इसको रख के इसको सीधा बनाएंगे इस तरह से। अब इस फंदे को भी सीधा, एक को दो तीन, ये बीच वाले फंदे सीधे बनेंगे और जो ये फली वाला फंदा ये इधर जाएगा, ये वाला इधर, तो बैक से ऐसे नीडल डाल देंगे और आगे वाले को लेफ्ट नीडल में इस तरह से डालेंगे, इसको यहाँ पर लेंगे और इस फली वाले फंदे को भी सीधा इस तरह से बनाएंगे। तो लास्ट के बचे हैं दो फंदे, इनको भी सीधा ही बनाएंगे। तो ये देखिए पांचवी सिलाई हमारी बन के कंप्लीट है। डिजाइन की छठी सिलाई, छठी सिलाई को हमने पूरी सिलाई को ऐसे उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करना, एक एक फंदा लेंगे और उल्टा उल्टा ऐसे बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। लास्ट के फंदे को सीधा, तो छठी सिलाई उल्टी साइड से उल्टी उल्टी बन के कंप्लीट। तो डिजाइन की सातवीं सिलाई को आप थोड़ा सा अब ध्यान से देखिए कि ये किस तरह से इसको बनाएंगे। तो ये सातवीं सिलाई को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, पहले फंदे को तो ऐसे ही उतारेंगे, धागा पीछे करेंगे। अब हमने क्या करना है, इस सिलाई में यहां पर हमने डिजाइन डालना है, तो यहाँ पर ये दो फंदे हैं जो इसको और इसको, एक ये और एक ये, एक उतारा, इसको फ्रंट लूप से दो का एक करेंगे,
फिर यहाँ पर दो फंदे का एक करने से एक कम हुआ, तो धागा अपनी ओर करके हम इस तरह से फंदा बढ़ाएंगे और अगले फंदे को फिर से सीधा बनाएंगे। तो अब हमने क्या करना, अब जो ये यहाँ पर जहाँ से हमारा ये होल दिखाई दे रहा है, जहाँ से हमने फंदे से फली बनानी स्टार्ट की थी, यहाँ से हम ऐसे डाल देंगे और एक फंदा ऐसे बनाएंगे और इसको हम थोड़ा सा लूज बनाएंगे। एक बार बनाया, अगला फंदा सीधा बनाया, फिर से इसी होल से फिर से एक लूप बनाएंगे, फिर से ऐसे लूज लूप बनाएंगे, अगले फंदे को अकेला सीधा बनाएंगे, फिर से इसी होल से निकाल के एक लूप निकालेंगे इसी तरह से, फिर से इस फंदे को सीधा बनाएंगे और फिर से यहाँ से ही हम एक लूप निकालेंगे इस तरह से। तो ये देखिए हमने चार बार ये लूप बनाया निकाला है, एक इस तरह से, दो तीन और चार, चार बार ये लूप बनाने के बाद अब हमने यहाँ पर क्या करना है, क्या करना है ध्यान से देखिए। इसमें हमने यहाँ पर फिर से धागा अपनी ओर करके यहाँ पर देखिए इन दो फंदों को इकट्ठा इस तरह से दो का एक करेंगे, तो ये धागा अपनी ओर करने से वही फंदा बढ़ गया जो दो से एक करने से कम हुआ था, तो दो के दो ही हमारे फंदे बन गए। अब क्या करना है, एक ये रेखीय फली वाला, इसको हमने फ्रंट लूप से दो का एक करना, फिर से यहाँ पर हम फंदे को इस तरह से बढ़ाएंगे, दो का एक करने से फिर से फंदा बढ़ाएंगे। अब फिर से हमने जो ये होल है यहाँ से हम इस तरह से एक लूप निकालेंगे इस तरह से, फिर से एक सीधा फंदा, फिर से आगे इसी होल से फिर से एक लूप निकालेंगे, दो बार लूप, फिर से सीधा फंदा, फिर से इसी होल से लूप निकालेंगे, तीन बार लूप, फिर से ये सीधा फंदा, फिर से इसी होल से हम इस तरह से लूप निकालेंगे। तो अब हमने क्या करना, अब फिर से हमने एक ये यहाँ पर धागा अपनी ओर करके इस तरह से इन दो फंदों को इस तरह से इकट्ठा सीधा बनाना है। तो अब बचे हैं लास्ट के दो फंदे, इनको भी हम ऐसे ही सीधा ही बुन देंगे। तो ये हमारी यहाँ पर सातवीं सिलाई बन के कम्प्लीट है, डिजाइन की आठवीं सिलाई उल्टी सिलाई। आठवीं सिलाई को हम एक धागा उतारा, दूसरा उल्टा, तीसरा, और अब हमने क्या करना है, ये चौथा, चार फंदे हमने उल्टे बनाए। अब जो ये लूप वाला था एक सीधा था, सातवीं सिलाई में इन दो का एक करेंगे, फिर से लूप वाला और ये दो का एक, दो बार किया, फिर से लूप वाला सीधा दो का एक किया, फिर से लूप वाला और ये सीधा दो का एक किया। तो यहां पर चार तो हमने सिंगल सिंगल उल्टे बनाए है, चार फंदे आगे दो का एक बनाए, फिर से चार सिंगल फंदे हम उल्टे बनाएंगे, एक, दो, तीन और ये चार, चार फंदे फिर से हमने सिंगल सिंगल उल्टे बनाए। अब आगे फिर से हम चार फंदे ये दो का एक बनाएंगे, तो एक, दो, तीन और चार, लास्ट के बचे हैं इनको भी हम सिंगल बनाएंगे, तीन फंदे बचे हैं उल्टा उल्टा। तो ये आठवीं सिलाई हमारी यहाँ पर बन के कम्प्लीट है। तो आठ सिलाइयों में ये देखिए डिजाइन हमारा कुछ इस तरह से बनता हुआ आया, इस तरह से। तो अब नौवीं सिलाई में हमने क्या करना है, ये वाला डिजाइन यहाँ बीच में हमने शिफ्ट करना है, तो किस तरह से करेंगे थोड़ा सा इसे ध्यान से देखिए। कि नौवीं सिलाई और सीधी सिलाई, नौवीं सिलाई में हम डिजाइन को शिफ्ट करेंगे, ये वाला फ्लावर यहाँ दोनों के इन फंदों के बीच में आएगा, इधर भी फली है इधर भी फली है। तो अब हमने क्या करना, जो ये वाली फली है अब यहाँ पर नौवीं सिलाई में इधर आएगी बीचों बीच में, तो किस तरह से, जो ये फंदा है इसको बैक से हम लेंगे और आगे लेके आएंगे, आगे वाले को पीछे लेके आएंगे इस तरह से। तो अब इन दोनों को सीधा बनाएंगे, एक और दो,
दोनों सीधा ये फली इधर जाएगी। अब यहां तक हम इन फंदों को जो बीच वाली फली है सीधा बनाएंगे। आगे एक दो तीन चार पांच और छः, छः फंदे फिर से हमने सीधे बनाए। अब एक ये फली है, एक ये इधर फंदा जाएगा, ये इधर, यानी कि क्रॉस करेंगे हम इस तरह से, इस तरह से हम क्रॉस करेंगे। क्रॉस करने के बाद इन दोनों फंदों को ऐसे सीधा बनाएंगे। अब आगे फिर से दो फंदे छोड़ने तक सीधा बनाएंगे, एक दो तीन चार पांच और छह, छह फंदे फिर से सीधे बनाए। अब ये फंदा इधर आएगा, इसको हम इस तरह से निकाल के इधर लेंगे और इसको इधर लेंगे। अब दोनों फंदे लास्ट के भी सीधे बनाए। तो नौवीं सिलाई हमारी यहाँ पर देखिए बनके कंप्लीट है। डिजाइन की दसवीं सिलाई और यहाँ पर उल्टी सिलाई, दसवीं सिलाई को पूरी सिलाई को ऐसे उल्टा उल्टा ही बनाते हुए हम कंप्लीट करेंगे। तो मैं दसवीं सिलाई उल्टी उल्टी बुन लेती हूँ। तो ये दसवीं सिलाई को उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट किया, लास्ट का फंदा सीधा। डिजाइन की यहाँ पर ग्यारहवीं सिलाई और हमारी सीधी सिलाई। ग्यारहवीं सिलाई में किस तरह से करना, हमने इस फंदे को उतारेंगे, धागा पीछे करेंगे। अब जो ये फली इधर है इसको इधर लेके आएंगे, तो ये फंदा इधर जाएगा, ये वाला इधर। बैक से हम इस फंदे को ऐसे लेंगे और इस फंदे को हम यहाँ पर रखेंगे, इसको यहाँ करके हम सीधा बनाएंगे इस तरह से। इस वाले को भी अब फली वाले को सीधा बनाएंगे। अब ये फली हमारी इधर बननी शुरू हो गई है। तो अब हमने क्या करना, अगले वाले फंदे अभी सीधे बनाएंगे। तो अब जो ये फली वाला फंदा है, ये वाला, ये इधर जाएगा और ये इधर, आगे से लेके इसको पीछे लेके आएंगे और इसको इधर लेके आएंगे। दो फंदों को ये सीधे बनाएंगे, इसको भी सीधा। अब जो ये वाली फली है इसको यहां लेके आएंगे, बैक से हम लेंगे, इसको यहां पर लेंगे। अब इसको ऐसे डाल के और इन दोनों फंदों को फिर से सीधा बुन लेंगे। तो अब ये यहां पर भी क्रोसमा देते हुए ये हमारी फली बनती हुई आई। तो यहां पर अब हम ध्यान से देखिए, चार फंदे सीधे बनाएंगे। तो अब ये फली वाला है, इसको इधर लेके आएंगे यहां से, इस तरह से इस फंदे को इस नीडल में इस तरह से डाल लेंगे, इसको आगे लेके आएंगे, इसको भी सीधा बनाएंगे फली वाले को, इसको भी और इसको भी, लास्ट वाले को भी सीधा बनाएंगे। तो ये ग्यारहवीं सिलाई भी बन के यहाँ सीधी साइड से कंप्लीट है। डिजाइन की आगे बारहवीं सिलाई और उल्टी सिलाई। इस सिलाई को भी हम पूरी सिलाई को ऐसे एक एक फंदा लेते हुए उल्टा उल्टा बुन लेंगे। तो मैं ये बारहवीं सिलाई को उल्टा उल्टा बना लेती हूँ। तो ये बारहवीं सिलाई भी उल्टी साइड से उल्टी उल्टी बना के हमने कंप्लीट कर ली। डिजाइन की तेरहवीं सिलाई। तेरहवीं सिलाई को हमने किस तरह से बनाना, अब की बार ये दो फंदे यहाँ पर पहले सीधे आएंगे तेरहवीं सिलाई में। सीधे आने के बाद ये वाला इधर जाएगा और ये वाला इधर। तो यहाँ बैक लूप से इसको लेंगे हम पीछे से, इसको यहाँ पर लेके आए। अब इसको आगे डालेंगे, ये सीधा बनाएंगे इस तरह से। इस फली वाले को भी सीधा बनाएंगे। तो अब यहाँ पर दो फंदे बीच में सीधा बनाएंगे। तो इसको हम यहाँ पर सीधा बनाएंगे, एक दो, दो ये सीधे बनाए। अब ये फली इधर आएगी, ये वाला फंदा इधर आएगा। तो इसको यहाँ पर हम ऐसे रखेंगे, पीछे से इस फंदे को यहाँ आगे से इसको आगे डालेंगे और इन फंदों को अब सीधा बनाएंगे, एक इसको और एक इसको, दोनों को, दो ये सीधे और अब ये बीच वाले भी दो फंदे सीधे ही बनेंगे, एक
दो, यानी कि चार फंदे यहाँ बीच में हमारे सीधा है। अब ये फली वाला इधर जाएगा और ये वाला इधर, तो बैक से हम फंदा लेंगे, इसको आगे डालेंगे इस तरह से, यहाँ पर इसको ऐसे करेंगे, दोनों को अब सीधा बनाएं, इसको भी और फली वाले फंदे को भी। अब यहाँ पर हम ये दो फंदे अगले और सीधे बनाएंगे, एक दो। अब जो ये फली वाला फंदा ये इधर आएगा, तो यहाँ से आगे से डालेंगे, इस फंदे को निकाल के लेफ्ट में डाल लेंगे, इसको आगे इस तरह से, तो इन दोनों फंदों को सीधे बना के और इनको भी दोनों को सीधे बनाएंगे। तो ये 13वीं सिलाई हमारी सीधी साइड से बन के कम्प्लीट है। डिजाइन की 14वीं सिलाई उल्टी सिलाई, तो इस सिलाई को, पूरी सिलाई को ही हम ऐसे उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। तो मैं बना लेती हूँ, तो ये 14वीं सिलाई भी उल्टी साइड से उल्टी उल्टी हमने बना के इसको कंप्लीट कर लिया। तो ये देखिए 15वीं सिलाई को, तो ये इस तरह से हमारी फली है, ये इधर आ रही है और ये इधर आ रही है। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा इसे ध्यान से देखिए, तो 15वीं सिलाई पहला फंदा ऐसे ही उतारेंगे, एक और दो, यानी कि तीन फंदे ये हमारे सीधे बन गए हैं। तो ये चार, तीन फंदे बनने के बाद यहां पर हम धागा अपनी ओर करके इन दो को इकट्ठा एक बनाएंगे इस तरह से, फंदा ये इस तरह से, यहाँ धागा अपनी ओर करने से फंदा बढ़ गया, दो का एक होने से वही के वही दो फंदे हमारे बचे हैं। तो अब हमने क्या करना, अब जो ये बीच वाले हैं इनको फ्रंट लूप से ये दो फंदों का यहाँ पर इस तरह से एक करना, दो का एक किया इस तरह से, अब धागा फिर से अपनी ओर करेंगे और इस फंदे को सीधा बनाएंगे। सीधा बनाने के बाद अब फिर से हम यहाँ पर ये देखिए ये होल है, यहाँ से हम एक लूप ऐसे सीधा लेंगे, लंबा लेंगे, अगला फंदा फिर से सीधा बनाएंगे, अगला फिर से एक लूप से फंदा बड़े वाला निकालेंगे, फिर से इस फंदे को सीधा बनाएंगे, फिर से यहाँ पर इस लूप को एक और लूप निकालेंगे, फिर से इसे सीधा बनाएंगे, तो फिर से लास्ट में एक लूप फिर से बनाए, यानी कि चार लूप हमने यहाँ पर देखिए लंबे बनाए हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने लूप बनाने के बाद धागा अपनी ओर करके यहाँ पर इन दो का इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे, दो का एक, फिर से यहाँ पर एक ये लूप, ये वाला फली वाला और एक अकली वाला, दो का एक इस तरह से बनाएंगे, इस तरह से दो का एक, फिर से धागा अपनी ओर करके, जो ये फंदा दो का एक हुआ है कम हुआ है, तो धागा अपनी ओर करने से वही के वही लास्ट के तीन फंदे सीधे बनाए। तो ये हमने इस सिलाई को बना के कंप्लीट किया। डिजाइन की अगली सिलाई और लास्ट सिलाई, इसको हमने किस तरह से बनाना है, दो तीन और ये चार, चार फंदे हमने इस तरह से ध्यान से देखिए, चार पांच और छः, ये छः फंदे और एक ये सात, सात फंदे हमने ये उल्टे बनाए। अब यहाँ पर देखिए दो का एक, एक लूप वाला एक सीधा फंदा, दो का एक दूसरी बार, फिर ये दो का एक तीसरी बार, फिर से दो का एक चौथी बार, चार बार ये फंदे हमने दो का एक दो का, लास्ट के बचे सात फंदे फिर से जैसे यहाँ पर बचे थे इनको भी हमने उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करना। तो ये हमारी डिजाइन की 16वीं सिलाई थी और लास्ट सिलाई थी, इसको भी बना के कंप्लीट कर लिया। तो 16 सिलाइयों में हमारा ध्यान से देखिए इस तरह से ये डिजाइन हमारा बनता हुआ आया। तो अब 17वीं सिलाई में फिर से पहली सिलाई की तरह ही हम डिजाइन को रिपीट करेंगे। तो इन्हीं 16 सिलाइयों को अगर हम बार बार रिपीट करते हैं तो ये देखिए हमारा डिजाइन कुछ इस तरह से बनता हुआ आया। तो डिजाइन आपके सामने है, अगर आपने मेरा डिजाइन पसंद आई, बताने का तरीका पसंद आए,
तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलती हूँ फ्रेंड्स अगली नई अच्छी सी वीडियो के साथ, तो बने रहे इसी तरह से आप हमारे चैनल के साथ।